Now you have to prove, show that the sequence 1 by n square converges to 0. 1 by n square sequence है, वो किस पे converge करता है? 0 पे. अब कोई भी sequence converge कब करता है पहले तो? यहाँ जो हमारी sequence है, here an is equal to 1 by n square. ठीक है? अब ये जो sequence है, या कोई भी sequence है, वो converge कब करता है किसी point L पे? A sequence an is said to be converges to L if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that for all n is greater than equal to m mod of a n minus l kya hona chahiye less than epsilon. Theek hai, so now your a n here is 1 by n square and l here is 0 kyunki mujhe show karna hai ki ye sequence 0 pe kya karti hai, converge. Now how will you prove this? Hum iski value find out karte hain. Mod of ए एन माइनस ज़ीरो, एल क्या है? ज़ीरो. वी कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड ये वैल्यू कितनी आएगी? ए एन की वैल्यू क्या है? वन बाई एन स्क्वेयर माइनस ज़ीरो. इट मीन्स इट इज इक्वल टू वन बाई एन स्क्वेयर. नाउ हमें चेक क्या करना है? इफ एप्सिलॉन इज एनी स्मॉल पॉजिटिव नंबर देन व्हेन दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन वी हैव टू फाइंड आउट अ नेचुरल नंबर व्हिच डिपेंड्स अपॉन दिस एप्सिलॉन. जो ये m है ये किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए? एप्सिलॉन के डिपेंडेंट. एंड सारी इससे आगे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो l के एप्सिलॉन नेबरहुड में लाई करना चाहिए, है ना? तो अब हम एक एप्सिलॉन नंबर मान लेते हैं और वी सपोज दैट दिस ए एन माइनस ज़ीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन. तो मुझे ये m फाइंड आउट करना है जो इस एप्सिलॉन पे क्या हो, बेस्ड. अगर ऐसा नेचुरल नंबर हमें मिल जाता है तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, और अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी. अब ये चीज़ क्या है? इट इज़ वन बाय एन स्केयर. इट मीन्स मॉड ऑफ वन बाय एन स्केयर इज लेस देन एप्सिलॉन. अब मॉड की बात तब आती है, मॉडुलस कोई भी चीज़ को पॉजिटिव करता है. यहाँ वन बाय एन स्केयर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नंबर ही है, सो इट इज़ नथिंग बट वन बाय एन स्केयर. फाइन, सो दिस इम्प्लाइज वन बाय एप्सिलॉन इज लेस देन एन स्केयर. क्या किया हमने? इस एन स्केयर को इधर ले गए और एप्सिलॉन इधर आ गया. फाइन, क्योंकि मुझे एन वो नंबर निकालना है विच इज़ ग्रेटर देन सम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो यहाँ से क्या आया हमारे पास? वी कैन राइट नाउ, मुझे एन चाहिए तो मैं स्केयर रूट ले लेती हूँ. स्केयर रूट लेंगे तो क्या आएगा? वी विल गेट वन बाय अंडर रूट एप्सिलॉन इज लेस देन एन. इट मीन्स अगर मैं वन बाय रूट एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज अ स्मॉल नंबर, पॉजिटिव नंबर, और जैसे ही मैं इसको अंडर रूट एप्सिलॉन की बात करूंगी तो यहाँ पे अंडर रूट एप्सिलॉन अगर ये पॉजिटिव है तो मैं रूट एप्सिलॉन भी, इसकी दो वैल्यूज आती हैं, आई विल चूज द पॉजिटिव वन. ठीक है, और वन बाय दिस वैल्यू इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन ज़ीरो. फाइन, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो ही रहेगा. इसका मतलब हमें एक पॉजिटिव नंबर मिल गया और इससे बड़े जो एन है उनके लिए कंडीशन क्या है? ट्रू. क्यों? हमने कहा मॉड ऑफ ए एन माइनस लेस देन एप्सिलॉन है. इसका मतलब क्या हुआ? हमने इसकी ये वैल्यू पुट की ना, इसका मतलब दिस इज़ पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ वन बाय एन स्केयर इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड दिस इज़ पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ वन बाय एन स्केयर इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये पॉसिबल है अगर ये चीज़ पॉसिबल है, एंड दिस इज़ पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ दिस इज़ पॉसिबल. नाउ अगर वो सारे एन जो वन बाय रूट एप्सिलॉन से बड़े हैं उनके लिए कंडीशन ट्रू हो रही है, इट मीन्स हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? इफ सपोज दिस वैल्यू इज़ वन बाय रूट एप्सिलॉन, इससे बड़े जितने नेचुरल नंबर्स हैं, ज़रूरी नहीं है ये नेचुरल नंबर हो, इट मे बी एनी रियल नंबर, इट मे बी इंटीजर, इट मे नॉट बी इंटीजर. ठीक है, इससे बड़े नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं उन सब के लिए कंडीशन ट्रू हो रही है. तो आई विल सपोज वन एम विच इज़ अ नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन दिस एप्सिलॉन, सो वी चूज एन एम विच इज़ ग्रेटर देन दिस वन बाय रूट एप्सिलॉन, क्योंकि हमें एक नेचुरल नंबर ऐसा चाहिए होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसी चाहिए होती है जिससे बड़ी सारी वैल्यूज इस कंडीशन को क्या करती हैं? सेटिस्फाई. तो हमने इस रूट वन बाय रूट एप्सिलॉन से बड़ा एक नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर लिया जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी ये कंडीशन ट्रू होगी, और इससे आगे वालों के लिए तो कंडीशन ट्रू है ही है. ठीक है, सो इट मीन्स व्हाट वी फाइंड, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एम विच इज ग्रेटर देन वन बाय रूट एप्सिलॉन सच दैट फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम मॉड ऑफ ए एन माइनस ज़ीरो इज लेस देन एप्सिलॉन. इट मीन्स व्हाट वी हैव फाउंड दैट दिस सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ज़ीरो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द सीक्वेंस 1 बाय 2 रेस्ट पावर एम कन्वर्जेस टू ज़ीरो.
अब ए एन हमारा यहाँ पर कितना है, 1/2 raised to power n। ठीक है, हमें शो करना है कि ये सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज करता है। तो अगेन सेम वे, सीक्वेंस कन्वर्जेस टू जीरो का मतलब क्या हुआ, हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग वी हैव टू फाइंड आउट नेचुरल नंबर एम सच दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर एम फाइंड आउट करना है, तो अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकाल लो ए एन माइनस जीरो की, दैट इज इक्वल टू 1/2 raised to power n minus 0। इट मीन्स इट इज नथिंग बट 1/2 raised to power n। अब मुझे मॉडुलस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि n तो हमारा नेचुरल नंबर ही होता है, और 2 की पावर जितना भी नेचुरल नंबर करोगे दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो 1/2 raised to power n इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, सो इट मीन्स दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1/2 raised to power n। अब मुझे वो m की वैल्यू निकालनी है जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज मॉड ऑफ ए एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो हम कहते हैं ये चीज़ पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 raised to power n इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, वन 1/ε इज लेस देन 2 raised to power n। ठीक है, अब मुझे n चाहिए, n निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों साइड पे लॉग ले लूँगी। इफ आई टेक लॉग बोथ साइड्स, दिस इज लॉग ऑफ 1/ε इज लेस देन लॉग ऑफ 2 raised to power n, सो इट मीन्स लॉग ऑफ एप्सिलॉन इज लेस देन, ये पावर लॉग में हमेशा क्या होती है, आगे आ जाती है, दिस इज एन लॉग 2। सो फाइनली व्हाट आई गेट, 1/ आई थिंक आई हैव डन अ मिस्टेक हियर, इट इज 1/ε। ठीक है, तो व्हाट आई गेट, लॉग ऑफ 1/ε, लॉग 2 भी पॉजिटिव नंबर है सो उससे डिवाइड कर दो, सो व्हाट वी गेट, एन इज ग्रेटर देन दिस नंबर। अब ये नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, बट हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि जो भी ये रियल नंबर आया हमारे पास, सपोज दिस रियल नंबर इज इक्वल टू सम के, तो ये जो रियल नंबर आया इससे बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब के लिए ये कंडीशन क्या है, ट्रू। तो अगेन वी फाइंड आउट अ नेचुरल नंबर एम विच इज जस्ट ग्रेटर देन दिस के, तो उन सारे नंबर्स के लिए भी ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। सो फाइनली व्हाट वी गेट, वी गेट दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एम विच इज ग्रेटर देन 1 log of 1/ε अपॉन log 2। ठीक है, सच दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये सीक्वेंस है दैट कन्वर्जेस टू जीरो। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम, शो दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन स्केयर प्लस 1/2n² + 3 इक्वल टू 1/2। अब कन्वर्जेस की बात जो हम करते हैं ना, इफ आई से दैट ए एन कन्वर्जेस टू एल, इसका मतलब क्या होता है, वी कैन राइट इट इन लिमिट फॉर्म दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल। ठीक है, अब हमें ये लिमिट फॉर्म में दे रखा है, तो मीन्स आई हैव टू प्रूव दैट दिस सीक्वेंस n² + 1/2n² + 3, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1/2, दिस यू हैव टू प्रूव। अगेन कैसे प्रूव करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट अ नेचुरल नंबर m फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, है ना, सच दैट क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ ए एन माइनस एल, एल कितना है यहाँ पे, हाफ, और ए एन कितना है, n² + 1/2n² + 3। इसका मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, सो फर्स्ट वी सिंप्लीफाई इट, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 2 times 2n² + 3, सो टेक द एलसीएम, क्या आई वैल्यू, 2n² + 2 - 2n² - 3, सो फाइनली व्हाट वी गेट, 2n² कैंसिल आउट, इट इज -1/2 times 2n² + 3। फाइन, अब मॉडुलस है तो मॉडुलस के बाहर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव नंबर, सो फाइनली व्हाट वी गेट, 1/2 times 2n² + 3। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे किसी तरह से n चाहिए, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है n किस नेचुरल नंबर से बड़ा हो जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई, कौन सी कंडीशन, मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, मुझे ऐसा m फाइंड आउट करना है जो इस एप्सिलॉन कॉरेस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इस चीज़ को n में कन्वर्ट करना है किसी तरह से, तो वो कैसे कर सकते हो,
इट इज हाफ ऑफ टू एन स्क्वायर, 1/2n² प्लस 3। तो हाफ अगर किसी भी चीज का कर दें तो ऑब्वियसली वो उस नंबर से क्या होता है, छोटा। इट इज नथिंग बट वॉट, 1/2 ऑफ 1/2n² प्लस 3। इस नंबर का आधा कर दिया हमने। अगर किसी नंबर का आधा किया है तो ऑब्वियसली वो नंबर उस नंबर से क्या होगा, छोटा। एंड नाउ वी नो दैट 2n² प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2n² एंड अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल हमेशा इस नंबर से क्या होगा, छोटा। ठीक है, क्लियर है? तो ये वैल्यू भी क्या होगी, 1/2n² से छोटी। अब अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज 1/2 ऑफ 1/n², अगेन हाफ ऑफ 1/n², सो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो लेस देन 1/n². ठीक है, छोटा कर दिया ना हमने, हाफ कर दिया उसका। तो फाइनली व्हाट वी गेट फ्रॉम हेयर, वी गेट दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस हाफ इज लेस देन 1/n², और मुझे क्या चाहिए था, इट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो हम चूज कर लेते हैं ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, इफ 1/n² इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब 1/ε इज लेस देन एन स्केयर। वॉट इट मीन्स, अंडर रूट कर दो दोनों साइड, 1/√ अंडर रूट एप्सिलॉन इज लेस देन एन। फाइन, सो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे एन जो 1/√ एप्सिलॉन से बड़े हैं, उन सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये कंडीशन क्या कर रही है, होल्ड। तो वट वी शुड चूज एज एम, वी चूज एम एज अ नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1/√ एप्सिलॉन। फ्रॉम हेयर इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट दिस एम डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, जो ये नेचुरल नंबर एम आता है ये एप्सिलॉन पे क्या करता है, डिपेंड। फाइन, सो फ्रॉम हेयर वट वी गेट कि हर एक एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर एम एग्जिस्ट कर जाएगा विच इज ग्रेटर देन 1/√ एप्सिलॉन, सच दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस हाफ is less than epsilon for all n is greater than equal to m. Fine? So इसका मतलब, इसको limit form में अगर हम लिखते हैं तो हम क्या कहेंगे कि limit n approaches to infinity function is n² plus 1 upon 2n² plus 3 has limit equal to 1/2. Fine? Yes. Next question क्या है बच्चे? Give an example of a sequence which is bounded and oscillatory finitely. ऑसिलेटिंग फाइनेटली होना चाहिए यहाँ पर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं, लाइक वन एग्जाम्पल यू हैव डन -1^n, और यू कैन राइट -1^n इंटू 2 भी लिख सकते हैं हम, -1^n इंटू एनी नंबर के। ठीक है, के इज फाइनाइट। अब आप अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये सीक्वेंस क्या बनेगी, दिस कंटेन्स एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट इज -1, सेकेंड इज 1, थर्ड इज अगेन -1, फोर्थ इज 1 एंड सो ऑन। सो इट दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। वाई इट इज़ बाउंडेड, बिकॉज इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, -1 और 1। इस सीक्वेंस की जो रेंज है उसमें दो ही एलिमेंट्स हैं और सारे एलिमेंट्स इस -1 के इक्वल हैं या 1 के इक्वल हैं, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड तो है ये, और ऑसिलेट भी कर रही है फाइनाइटली। क्यों? ना तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है और ना ही डाइवर्ज करती है, तो वो ऑसिलेट करती है और बाउंडेड है, इसलिए इसका मतलब ये ऑसिलेट्स फाइनाइटली है। अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूँ तो ये क्या बनी, If I put n equal to 1, you will get -2. If I put n equal to 2, then you will get 2, पॉजिटिव आएगा। अगर मैं n को 3 पुट करती हूँ तो अगेन नेगेटिव, 4 पुट करती हूँ तो पॉजिटिव एंड सो ऑन। अगेन दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर लाइंग बिटवीन -2 to 2। बिटवीन क्या, दीज आर द ओनली टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, और ये ऑसिलेट भी कर रही है बिकॉज इट इज़ नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। सिमिलरली अगर मैं 2 की जगह कोई नंबर के लिख देती हूँ तब भी ये सीक्वेंस क्या बनेगी, दिस इज -k, -k, -k एंड सो ऑन। सो देर आर इनफाइनाइटली मेनी सीक्वेंसेज विच आर बाउंडेड एंड ऑसिलेट्स फाइनाइटली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द सीक्वेंस log(1/n) डाइवर्जेस टू -∞। अब किसी भी सीक्वेंस को पहले तो हम डाइवर्जेंट कब कहते हैं, क्या कहा था हमने डेफिनेशन में कि हम कितने से भी बड़ा, कितना बड़े से बड़ा नेगेटिव नंबर सपोज कर लें। ठीक है, हमें -∞ की बात करनी है तो वी कैन से हाउएवर लार्ज नेगेटिव नंबर वी कैन सपोज देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m दिस a n जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा, k। बुक में कहते हैं हाउएवर लार्ज नंबर यू सपोज
ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ फिर वो माइनस के वर्ड यूज़ कर देते हैं। जब आप बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर लोगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, माइनस के उतना ही छोटा नंबर हो जाएगा। तो आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो, आइदर यू कैन टेक के एज अ पॉजिटिव नंबर, लार्ज पॉजिटिव नंबर, और यू कैन सपोज के एज अ नेगेटिव नंबर, और उसी पे डिपेंडेंट आपने यहाँ वैल्यू लिखनी है। ठीक है, हमने क्या कहा, कोई भी सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कब करेगा, अगर हम कितने भी छोटे से छोटा नंबर ले रहे हैं, मतलब नेगेटिव नंबर, कितना भी बड़े से बड़ा नेगेटिव नंबर ले लें, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाता है एम, सच दैट वो सारे नेचुरल नंबर एन जो इस एन से बड़े हैं, उन सब के लिए ए एन की वैल्यू इस के से क्या हो जाएगी, छोटी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस नंबर लाइन। हम कितना भी नेगेटिव नंबर ले लें के, कुछ एलिमेंट सीक्वेंस के छोड़कर बाकी सारे इससे क्या हो जाएंगे, छोटे। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। जैसे हमने कन्वर्जन के लिए क्या लेके चले थे, इस चीज़ को लेके चले थे, और m की वैल्यू फाइंड आउट की थी डिपेंडिंग अपॉन दिस, कि कन्वर्जन के लिए m की वैल्यू फाइंड आउट की थी डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ m की वैल्यू डिपेंड करेगी इस नंबर k के ऊपर। सो अगेन विल टेक दिस ए एन इज लेस देन k। सो वॉट इज योर ए एन, दैट इज लॉग वन बाय एन, सपोज इट इज़ लेस देन k। दिस इज़ पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ रिजल्ट, तो ये क्या है, इट इज़ लॉग वन माइनस लॉग एन विच इज़ लेस देन के, लॉग वन इज ऑलवेज जीरो, सो वॉट वी गेट, दिस इज़ पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ दिस इज़ पॉसिबल। लॉग वन जीरो होता है तो लॉग वन को जीरो पुट कर दो, इट मीन्स माइनस ऑफ लॉग एन इज़ लेस देन के, एंड दिस इज़ पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ आई मल्टीप्लाई विद अ नेगेटिव साइन। अगर मैं इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, लॉग एन इज ग्रेटर देन माइनस के। ठीक, अब k नेगेटिव था तो माइनस ऑफ k पॉजिटिव है, फाइन। अब n, मुझे n चाहिए, तो n निकालने के लिए मैं क्या करूँ, एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर देते हैं। सो n इज ग्रेटर देन e रेज टू पावर माइनस ऑफ k, व्हेन k इज नेगेटिव माइनस ऑफ k इज पॉजिटिव, तो e रेज टू पावर सम पॉजिटिव नंबर इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर, ये इंटीजर हो ये ज़रूरी नहीं है, बट हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि अगर मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन के फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन ई रेस टू पार माइनस के, यानी कि ई रेस टू पार माइनस के से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो हम एक एम फाइंड आउट कर लेते हैं विच इज ग्रेटर देन दिस नंबर, वी चूज एम अ नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन ई रेस टू पावर माइनस के, एंड वी ऑल नो दैट इफ दिस रिजल्ट फॉर होल्ड्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन ई रेस टू पावर माइनस के, तो वो सारे नंबर जो एम से बड़े हैं उनके लिए भी रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड। इट मीन्स दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एम। सो फाइनली वट वी गेट, इफ आई टेक एनी लार्जर नेगेटिव नंबर, then there exists a natural number m which is greater than e raised to power minus k, and it depends upon k also, such that an is less than k for all n is greater than equal to m. So what it means, the sequence log 1 by n diverges to minus infinity. Now the next question is, show that the sequence minus 1 raised to power n does not converge. I think ये चीज़ हम कितनी बार कर चुके हैं कि इस माइनस वन रेज टू पार एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज नहीं करता। क्यों? इसकी दो ही एंट्रीज हैं, माइनस वन और वन, दो ही एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस के अंदर, रेंज के अंदर इस सीक्वेंस की, एलिमेंट्स तो इनफाइनाइट हैं बट रेंज के अंदर दो ही एलिमेंट्स हैं। अब हम कन्वर्जन के लिए क्या कहते हैं कि अगर हम ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, अगर इस सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स उस नंबर के जिस पे ये कन्वर्ज करता है, अगर एल पे कन्वर्ज करता है, तो उस एल के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर सारे पॉइंट्स लाई करने चाहिए आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ कोई भी रियल नंबर चूज कर लेती हूँ, सपोज आई चूज माइनस वन, माइनस वन के क्रॉस भी अगर मैं ओपन इंटरवल लेती हूँ, तो इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज इसके अंदर लाई नहीं कर रहे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हैं सीक्वेंस के इसके अंदर, क्योंकि माइनस वन इस सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, बट हमें क्या चाहिए होता है कि एक नेचुरल नंबर एम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो वन के एप्सिलॉन, माइनस वन के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई करने चाहिए। क्या कहोगे इसका मतलब, हमें कैसे लिखना है उस चीज को? वी हैव टू राइट दैट
an should belongs to minus 1 minus epsilon to minus 1 plus epsilon. ठीक है, बट ऐसा कोई नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट नहीं करता जिसके बाद के सारे एलिमेंट्स माइनस वन के एप्सिलॉन नेबरहुड में लाई कर जाए. ठीक है, इसका मतलब ये माइनस वन पे कन्वर्स नहीं कर सकता. और माइनस वन के आप कोई भी रियल नंबर ले लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स बाकी सारे एलिमेंट्स इस सीक्वेंस के उस नंबर के एप्सिलॉन नेबरहुड में लाई कर जाए. इसका मतलब क्या हुआ, दिस सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एन कन्वर्जेस टू जीरो इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन वन. हमें प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस जो है एक्स रेस टू पावर एन ये जीरो पे कन्वर्ज सिर्फ तभी करेगी अगर इस नंबर एक्स का मॉडुलस लेस देन वन होगा. इफ यू रिमेंबर दैट दिस इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. क्यों, एक्स की वैल्यू चेक करें, एन की वैल्यू अगर मैं वन पुट करती हूँ तो इट विल बी एक्स, अगर टू पुट किया तो एक्स स्क्वायर, थ्री पुट किया तो एक्स क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है, इट्स नथिंग बट अ जीपी जिसमें हर सेकंड टर्म जो आ रही है वो एक्स से क्या हो रही है मल्टीप्लाई. सो हमें गिवन क्या है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन के लिए ही ये जो जीपी सीरीज है वो कन्वर्ज करनी चाहिए जीरो पे. तो हम एक्स एक ऐसा नंबर मान लेते हैं विच इज लेस देन वन जिसका मॉडुलस वन से कम हो. सो वी सपोज एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस एच. आप कैसे कहोगे कि ये नंबर लेस देन वन है, पहली बात तो हम जो एच है वो पॉजिटिव मान रहे हैं और अगर वन को उसके बिगर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नंबर इज लेस देन वन. और एच पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली वन प्लस एच भी पॉजिटिव होगा और उसको रेसिप्रोकल करेंगे तब भी वो नंबर क्या आएगा पॉजिटिव. तो ऑब्वियसली जो मॉड एक्स है वो इस केस में क्या है लेस देन वन. ठीक है, ये नंबर वन से छोटा है और पॉजिटिव भी है तो ऑब्वियसली मॉड इज लेस देन वन. ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें प्रूफ करना है कि ये जो सीरीज सीक्वेंस है दिस कन्वर्जेस टू जीरो. सीक्वेंस के कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है कि हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग वी हैव टू फाइंड आउट अ नेचुरल नंबर m सच दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस जीरो जिस पे वो कन्वर्ज करता है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. तो अगेन उसी तरह से करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं. सो वॉट इज यूर ए एन दैट इज एक्स रेस टू पावर एन माइनस जीरो, इसकी वैल्यू निकाल ली हमने. x कितना है वन अपॉन वन प्लस एच रेस टू पावर एन. ठीक है, सो इट इज नथिंग बट वन अपॉन वन प्लस एच रेस टू पावर एन का मॉडुलस. तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस. ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं वन प्लस एच रेस टू पावर एन की वैल्यू. ये वैल्यू कितनी आएगी, विल एक्सपैंड दिस बाय बायनोमियल एक्सपेंशन. बायनोमियल एक्सपेंशन क्या कहती है, दिस इज इक्वल्स टू वन प्लस एन एच. इफ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट, दिस इज नथिंग बट एन माइनस एन बाय वन बाय टू फैक्टोरियल इन टू एच स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, कहाँ तक होगी लास्ट टर्म, दैट इज एन सी एन होता है लास्ट में और एच रेज टू पावर एन. अब एन सी एन कितना है वन. रिमेंबर द बायनोमियल एक्सपेंशन, मैं रिपीट कर देती हूँ, एन सी नॉट फर्स्ट वाली टर्म रेज टू पावर एन प्लस एन सी वन फर्स्ट वाली टर्म रेज टू पावर एन माइनस वन इन टू एच रेज सेकेंड वाली टर्म रेज टू पावर वन. नेक्स्ट इज एन सी टू वन रेज टू पावर एन माइनस टू देन एच स्केयर. अब जब एन सी टू को सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपके पास एंड सो ऑन अप टू एन सी एन एच रेज टू पावर एन एंड वन रेज टू पावर कितना आ जाएगा जीरो. ठीक है, तो अब आप इसको एक्सपैंड करोगे यू विल गेट दिस टर्म ओनली. क्या मिला हमें, दैट इज वन प्लस एन एच प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एच रेज टू पावर एन. अब ये सारी टर्म एच पॉजिटिव है तो ये भी सारा पॉजिटिव है. ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे जो टर्म है हमारे पास ये इसमें ऐड हो रही है. फाइन, और n इंटू एन माइनस वन है, n इज अ नेचुरल नंबर और n माइनस वन करोगे तो तब भी ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर है बिकॉज n इज ग्रेटर देन वन. मतलब जितना ये है हम मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं, n n माइनस एन तक ही जाते हैं तभी यहाँ वन वैल्यू आती है अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये भी पॉजिटिव है, ये पूरी टर्म पॉजिटिव है. सो फाइनली वी गेट दिस इज ग्रेटर देन वन प्लस एन एच. क्यों, क्योंकि वन प्लस एन एच इंटू प्लस समथिंग है.
वन प्लस एन एच में कुछ ऐड हुआ हुआ है, तो ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर देन वन प्लस एन एच. ठीक है, फाइनली वट वी गेट, वन प्लस एच रेज टू पावर एन इज़ ग्रेटर देन वन प्लस एन एच. मुझे क्या चाहिए, वन अपॉन वन प्लस एच रेज टू पावर एन. इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या होएगा, इस चीज़ से लेस, इसके रेसिप्रोकल से लेसर. जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स. फाइन, सो हमारे पास वैल्यू क्या थी, मॉड ऑफ एक्स रेज टू पावर एन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एच रेज टू पावर एन. मॉडुलस भी यहाँ है तो मॉडुलस, ये नंबर पॉजिटिव ही है तो मॉड को कोई फर्क नहीं पड़ता. ये वैल्यू किससे लेसर आई, वन अपॉन वन प्लस एन एच. मुझे शो क्या करना है कि ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी, ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक नेचुरल नंबर एम फाइंड आउट करना है. सो जैसे हम पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे वैसे ही क्या था हमारे पास, मॉड ऑफ ए एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ, ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास, दिस वैल्यू, दिस इज लेस देन दिस. इसका मतलब क्या हुआ, वन अपॉन एन, वन अपॉन दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. दोबारा देखो इस चीज़ को, हमने कहा कि ये वैल्यू इससे लेसर है, हमें चाहिए क्या, ये इससे लेसर होना चाहिए. अगर ये नंबर इससे लेसर है और ये भी एप्सिलॉन से लेसर हो जाए तो ऑब्वियसली ये नंबर भी इस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, लेसर. ठीक है, तभी हमने लिखा कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. फाइन, अब क्या करोगे, हमें एन निकालना है, बाकी वही कैलकुलेशन करोगे कि एन को एक साइड कर दो, बाकी सारे टर्म्स दूसरी साइड, तो उसके लिए कैलकुलेशन वर्क करना है. तो पहले तो हमने एप्सिलॉन इधर लिया है, वन प्लस एन एच उधर ले गए. अगेन अब क्या करें, अब इसको वन प्लस एन एच के लिए माइनस वन को इधर ले आओ, माइनस वन कर दो दोनों तरफ, एन चाहिए तो एच से डिवाइड कर दो. अब एच पॉजिटिव है तो डिवीजन करोगे तो कहीं भी इनइक्वालिटी पर रिवर चेंज नहीं होगा. सो दिस इज अगेन अ रियल नंबर, इट मे बी अ नेगेटिव रियल नंबर, इट मे बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, बट हम इससे बड़ा नेचुरल नंबर तो हमेशा निकाल ही सकते हैं, है ना. अगर ये नेगेटिव रियल नंबर भी होगा तो हम इससे बड़ा एक नेचुरल नंबर तो निकाल ही सकते हैं ना, और उस नेचुरल नंबर को हम क्या मान लेंगे, एम. जब ये रिजल्ट हर उस एन के लिए ट्रू है जो इससे बड़ा है, तो इससे बड़े नेचुरल नंबर्स के लिए भी क्या होगा, ट्रू. यानी कि हम एम अगर इससे बड़ा कोई नेचुरल नंबर मानते हैं, फाइन, देन वो सारे एन जो इस एम से बड़े हैं उनके लिए भी रिजल्ट क्या होगा, ट्रू. सो फाइनली व्हाट वी गेट, हर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एम व्हिच इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एम व्हिच इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू सच दैट मॉड ऑफ एक्स रेज टू पावर एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम. इसमें हमने कंडीशन ये भी ध्यान रखी है कि मॉड एक्स क्या हो, लेस देन वन.